हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल एंड वी आर बैक अगेन विद द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर टू ऑफ दिसंबर 2022 6 दिसंबर 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे शुरू करते हैं सबसे पहले आज के सवालों के साथ और उससे भी पहले अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज डू लाइक इट डू शेयर इट अमंग फ्रेंड्स लाइक करने में बिल्कुल शर्माइएगा नहीं ज्यादा से ज्यादा लाइक होने चाहिए क्योंकि कंटेंट जो है वो आपके लाइक like से ही पता चलेगा कि अच्छा है कि बुरा है ठीक है ना तो डू डू दैट फ्रॉम योर एंड स्टार्ट करते हैं आज के

क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है लेजिस्लेटिव प्रोसेस है एग्जीक्यूटिव प्रोसीजर है इनमें से कोई नहीं तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट टर्म फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया आप सबने लक्ष्मीकांत पढ़ी होगी क्लियरली लिखा हुआ है कि इम्पीचमेंट इज अ क्वासी जुडिशियल प्रोसेस इम्पीचमेंट इज क्वासी जुडिशियल प्रोसेस आर्टिकल सिक्सटी वन जब आप पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का तो उसमें इम्पीचमेंट के बारे में मैंशनड है एंड इम्पीचमेंट कैन बी कैन बी डन ऑन द प्रेसिडेंट एंड दिस इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट एंड ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है है याद रखना है. Impeachment के ऊपर भी क्वेश्चन आता है और पार्डनिंग पावर्स के ऊपर भी क्वेश्चन आता है तो ये दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं एरियाज हैं है जहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है ठीक है ना प्रेसिडेंट से रिलेटेड इसके अलावा इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट कैन भी इनिशिएटेड तीसरा सवाल है कहां पर इनिशिएट किया जा सकता है लोकसभा राज्यसभा कैन बी इनिशिएटेड इन आईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट या जॉइंट सेशन ऑफ बोथ द हाउसेस कहाँ पे इनिशिएट किया जा सकता है आपका इम्पीचमेंट तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इम्पीचमेंट का आपका जो रेजोल्यूशन होता है वो चाहे आप लोकसभा में रेस करिए चाहे आप राज्यसभा में रेस कर सकते हैं कहीं पर भी रेस कर सकते हैं दैट इज अ थिंग विच इज इंपॉर्टेंट है ना अब ये तो रहे हैं तीन सवाल आज के आई होप आपने आज तीनों सही कर लिए होंगे देखो इसमें कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन तो थे नहीं तीनों के तीनों स्टैटिक के क्वेश्चन थे और इजी क्वेश्चन थे तो आई होप आपने तीनों किए होंगे तो आज आप जो तीन वाले हैं सब लोग बताइए कि किसने किसने तीनों सही कर लिए ठीक है ना आगे अपन बढ़ते हैं न्यूज़ एनालिसिस में कुछ पीआईबी और न्यूज़ ऑन एआईआर इन सब की न्यूज़ आइटम भी देख लेते हैं तो मेरियम मेरियम वेबस्टर ने जो अमेरिका की ओल्डेस्ट डिक्शनरी पब्लिशर हैं उसने चूज़ किया है गैस लाइटिंग को एज दी वर्ड ऑफ द ईयर गैस लाइटिंग को एज दी वर्ड ऑफ द ईयर इसको मैरियम वेबस्टर ने किया है ठीक है ना अब गैस लाइटिंग क्या होता है आप सबको पता है कि गैस लाइटिंग एक एब्यूसिव प्रैक्टिस है जिसमें कि कोई एक जो व्यक्ति होता है वो अपने ऊपर ट्रस्ट खो देता है एंड मेंटल इलनेस का शिकार हो जाता है जैसे मैंने आपको एक बार एग्जाम्पल भी दिया था कि कई बार जो लड़के लड़की रिलेशनशिप में रहते हैं तो जो लड़का होता है धीरे धीरे वो मतलब इतना परसुएट कर देता है लड़की को कि वो एनजाइटी डिप्रेशन ट्रामा एंड लो सेल्फ स्टीम का शिकार हो जाती है है ना द गर्ल बिकम्स द विक्टिम ऑफ एनजाइटी डिप्रेशन ट्रामा एंड लो सेल्फ स्टीम एंड देर आर डिफरेंट मेथड्स बाय विच द पर्सन डज दैट मतलब वो अपने इतना उसको वो कर लेता है कि वो लड़की फिर एनजाइटी और डिप्रेशन में आने लगती है और अपने आप के ऊपर बिल्कुल उसका ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस जो है वो खत्म हो जाता है तो जस्ट इट वॉज एन एग्जाम्पल इट कैन बी डन इन एनी वे मतलब कहीं पर भी हो सकता है जिसमें एक अपने ट्रस्ट करना बंद कर देता है एंड वो मेंटल इलनेस की जैसा उसको लगने लगता है कि वो पागल है जैसे किसी व्यक्ति को आप बार बार पागल बोलो या ऐसा करो तो विल स्टार्ट फीलिंग लाइक लाइटिंग का ही तरीका है तो मी शो यू फिगर अब यहाँ पे आपको देखो लिखा हुआ गैस लाइटिंग के टेक्निक्स क्या क्या है तो अलग अलग टेक्निक्स है जैसे काउंटरिंग डिनाइल ट्रेवलाइजिंग विदहलोल्डिंग ब्लॉकिंग डाइवर्टिंग है ना तो ये सारे अलग अलग मेथड्स हैं जैसे इसमें एग्जाम्पल्स भी लिखे हुए हैं जैसे काउंटरिंग के एग्जाम्पल में है यू रिमेंबर थिंग्स रॉन्ग मतलब तुमको सब कुछ गलत ही गलत याद है तो धीरे धीरे आप जब बार बार यही चीज़ बोलोगे कि तुमको सब गलत याद है तुमको कुछ नहीं आता तुमको कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता। तो दीज आर डिफरेंट टेक्निक्स बाई विच द पीपल डू गैस लाइटिंग तो देर आर डिफरेंट मेथड्स काउंटरिंग डिनाइल ट्राइवलाइजिंग, विद होल्डिंग एंड ब्लॉकिंग और डाइवर्टिंग तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एंड इसके सिंबल्स क्या क्या हैं कि गैस लाइट हो चुका है व्यक्ति तो जैसे फीलिंग होपलेस जॉयलेस वर्थलेस इनकॉम्पिटेंट है ना एंड धीरे धीरे आप यू विल स्टार्ट क्वेश्चनिंग योर है ना तो ये कंटिन्यूसली आप सॉरी बोलते रहोगे फ्राम योर एब्यूजिव पार्टनर मतलब एब्यूजिव पर्सन को भी आप सॉरी बोलते रहोगे जो एब्यूजिव है उससे भी आप बार बार सॉरी बोलते रहोगे ये एक इम्पॉर्टेंट सिग्नल uh, uh, है कि यू हैव बिकम अ गैस लाइट ठीक है न तो ये तो रही बात गैस लाइटिंग की दूसरी जो न्यूज है वो है जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप जस्ट मतलब यहां पे वो जस्ट अभी तुरंत वाला जस्ट नहीं है जस्ट मतलब जस्टिस वाला जस्ट है ये अब ये जी सेवन कंट्रीज ने डिसाइड किया है कि वो जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप लॉन्च करेंगे विद इंडिया इंडोनेशिया वियतनाम सेनेगल इस साल ठीक है ना कौन कौन सी कंट्रीज के साथ इंडिया इंडोनेशिया वियतनाम एंड सेनेगल के साथ जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप करेंगे अब ये पार्टनरशिप क्यों की जा रही है दिस इज एम्ड एट हेल्पिंग लार्ज डेवलपिंग इकोनॉमीज टू मूव अवे फ्रॉम कोल इन इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम टू अचीव द पेरिस क्लाइमेट गोल्स मतलब अब क्या कह रहे हैं कंट्रीज कह रहे हैं कि हम हेल्प करेंगे जो ये डेवलपिंग एंड लार्ज डेवलपिंग कंट्रीज हैं कि ये कोल से मूव करें टूवर्ड्स द पेरिस क्लाइमेट गोल्स पेरिस क्लाइमेट गोल कहते हैं कार्बन को नेट कार्बन एमिशन को जीरो करो कार्बन न्यूट्रल बनो ये सारी चीजें और कह रहा है कि अपने थर्मल पावर प्लांट्स बंद करके आप एनर्जी रीन्यूबल एनर्जी की तरफ चले जाओ और हम कह रहे थे कि भैया हमको पैसा दो है ना तब तो हम एनर्जी ट्रांजिशन कर पाएंगे हम ट्रांजिशन कैसे करेंगे जब तक हमको पैसा टेक्नोलॉजी नहीं प्रोवाइड करोगे तो अब वो कुछ कंट्रीज हैं यू जी की कंट्रीज हैं जो कि कह रहे हैं कि ठीक है हम अब जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप करेंगे आप लोगों के साथ जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप इंडिया इंडोनेशिया वियतनाम सेनेगल इस साल सेलेक्ट किए गए हैं जर्मनी एंड यूएस जो है वो को लीडिंग है इन दिस नेगोसिएशन एंड उन्होंने कहा है कि हम हेल्प करेंगे इन कंट्रीज़ की अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर ऐसा कर पाते हैं वो लोग सफल होते हैं तो काफ़ी अच्छा है साउथ अफ्रीका को प्रॉमिस किया गया है कि 8.5 बिलियन डॉलर फिनंस दिया जाएगा ताकि आप अपने जो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन गोल्स हैं उनको आप पूरा कर सकें ऑल दीज थिंग्स आर देयर इन दिस है ना आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस तीसरी जो न्यूज़ है वो मैं ए से ले रहा हूँ यहाँ पर पैरिस क्लब

लोन देते हैं लोगों को और ये क्या करते हैं ये वर्केबल सोल्यूशंस निकालते हैं ताकि अगर कोई पेमेंट प्रॉब्लम फेस कर रही है कोई कोई डटर है जो कि पेमेंट प्रॉब्लम फेस कर रहा हो तो उसको एक सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं कि किस तरीके से वो पैसा चुका सकते हैं पेरिस क्लब में बाईस परमानेंट मेंबर्स देर ट्वेंटी टू परमानेंट मेंस इन पैरिस ग्रुप हाँ जिसमें कि वेस्टर्न यूरोपियन और स्कैंडिनेवियन नेशन जो है किंगडम जापान ये सब मेन कंट्रीज हैं दे आर द ग्रुप दे आर द देंबर्स ऑफ दिस ग्रुप so it is an informal group it has no official status no formal inception date है ना हालांकि इसकी पहली meeting 1956 में हुई थी जब determination Argentina था तो 1956 में लेकिन इसकी कोई ऐसी formal date नहीं है formal कोई ऐसा status नहीं है ठीक तो है ना तो इसे informal group तो I hope you got clarity regarding all these three news items आगे मूव करते हैं फ्रंट पेज की न्यूज़ है सुप्रीम कोर्ट ऑफर्स टू फाइंड सोल्यूशंस टू डिसीटफुल कन्वर्ज कन्वर्जेंस तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि भैया एक सोल्यूशन निकालो गवर्नमेंट को कि जो डिसीटफुल कन्वर्जेंस है वो ना हो डिसीटफुल कन्वर्जेंस मतलब कि देखो यहाँ पे ऑथर ने बहुत अच्छा मतलब जो जस्टिस हैं एम शाह हैं उन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया उन्होंने ये कहा कि देखो क्या होता है एक रिलीजियस कम्युनिटी किसी डाउन रॉडन व्यक्ति की हेल्प करती है चलो ठीक है आपने हेल्प की बट द मोटिव ऑफ दैट हेल्प शुड ओनली बी हेल्प द मोटिव ऑफ हेल्प शुड नॉट बी दैट की इन एक्सचेंज यू विल भी कन्वर्टेड इन टू देयर रिलीजन ठीक है ना सिंपल सी बात है तो ये ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो एम आर शाह जी ने उठाई कई कन्वर्जन इंडिया में तो इनफैक्ट ऐसे हुए हैं जो इसी पैसे के दम पे हुए हैं आप सबको ही पता होगा ना इट इज़ नॉट अ थिंग कि कोई क्या बोल रहा है लेकिन आप सबको पता है कि कई ऐसे लोग हैं जिनको पैसा दे करके कन्वर्ट किया गया हो है ना और बहुत सारे लोग हैं फ्रॉम हिंदू कम्युनिटी कम्युनिटीड अदर रिलीज ग्रुप्स लाइक क्रिस्टर टी इस्लाम बहुत लोगों को ऐसे अलग अलग उसमें रिलीजनस में कन्वर्ट किया गया है जस्ट बाई गिविंग द मनी है ना इनफैक्ट क्रिश्चन क्रिश्चन जो मिशनरीज थे पहले जो आते थे क्रिश्चन मिशनरीज जो एटीन हंड्रेड एंड थर्टीन के एक्ट में जब चार्टर एक्ट लाया गया अठारह सौ तेरह में तब उनको अलाउ किया गया था इंडिया में एंटर कियाना तो उनका मेन मोटिव ही कन्वर्जेंस था their main मेन मोटिव वॉज कन्वर्जन ऑनली तो ये आप सबको पता होगा हिस्टोरिकली भी आपने पढ़ा है हिस्ट्री की बुक्स में भी लिखा हुआ है और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है जानना है क्योंकि आज भी ऐसे कन्वर्जनस हो रहे हैं जहाँ पे बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स हैं जिनको पैसा दे करके या जिनको ऐसे उनकी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करके उनको कन्वर्ट किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये आ, फला डी टी ने आपके लिए भेजा है इन्होंने आपके लिए भेजा है तो ऑल दीज थिंग्स आर देयर ठीक है ना अब यहाँ पर वही चीज़ कोर्ट भी पॉइंट आउट करिए कि चैरिटी का काम का जो चैरिटी

का पर्पस सिर्फ चैरिटी होना चाहिए कुछ और नहीं होना चाहिए और जर्मनी ने एक माइग्रेशन एग्रीमेंट साइन किया है याद रखेगा इंडिया एंड जर्मनी आर साइनिंग द माइग्रेशन एग्रीमेंट और ये कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप ऑन माइग्रेशन एंड मोबिलिटी का नाम है क्या नाम है कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप ऑन माइग्रेशन एंड मोबिलिटी कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप ऑन माइग्रेशन एंड मोबिलिटी दिस विल ईज द ट्रेवल फॉर रिसर्च स्टडी एंड वर्क यहाँ पे क्या होगा ईज हो जाएगा ट्रेवल अगर आप कर रहे हैं फॉर द पर्पज ऑफ रिसर्च स्टडी और वर्क फॉर द पीपल इन बोथ द कंट्रीज दोनों कंट्रीज में अगर आप रिसर्च इन सब के लिए कर रहे हो स्टडी के लिए कर रहे हो जानना चाहते हो तो वह बहुत ही ईजी हो जाएगा दोनों कंट्रीज में माइग्रेशन करना ठीक है ना तो ये इंडिया और जर्मनी ने साइन किया है मोबिलिटी और माइग्रेशन के रिगार्डिंग एक्ट आप इसको याद रखेगा नोट्स में ऐड कर लीजिएगा ठीक है ना दैट इज अ थिंग विच इज इंपॉर्टेंट आगे मूव करते हैं देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है तो यू कैन मूव अहेड विद मी आप मेरे साथ आगे बढ़ जाइए ड्रोन डिलीवरी ड्रग डिलीवर्स ड्रग्स टू रिमोट मेघालय हेल्थ सेंटर्स इन रिकॉर्ड टाइम कल मैंने आपको बताया था कि मेघालय में अब वर्टीप्लन एक्स थ्री के माध्यम से जो है वो डिलीवर किया जाएगा मेडिसिन को वर्टी प्लेन एक्स थ्री के बारे में कल मैंने हालांकि आपको नहीं बताया था आज मैं आपको बता देता तो हूँ लिख लीजिएगा वर्टी प्लेन एक्स थ्री एक इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग ई विटॉल याद रखिएगा इसको तो क्या बोलते हैं ई विटॉल ई विटॉल मतलब इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग इस इसमें वर्टिकल टेक ऑफ हो सकता है और लैंडिंग भी वर्टिकली हो सकती है तो इसका फायदा क्या होगा कि आपको बड़ा जो रनवे होता है ना जैसे एरोप्लेन आपने देखा होगा पहले जब आपने कहीं फ्लाइट में अगर ट्रेवल किया तो आपको पता होगा कि पहले वो एक दो तीन किलोमीटर तक ऐसे ऐसे रनवे में चलता रहता है मतलब अपना एक वो मोमेंटम थ्रस्ट डेवलप करता है उसके बाद वो टेक ऑफ करता है ना बहुत खूब सारा फोर्स होता है उसके बाद वो टेक ऑफ करता है तो ऐसा रन की जरूरत नहीं पड़ेगी अब देखो तो रनवे की जरूरत अगर नहीं पड़ेगी तो मेघालय जैसे जो रगड़ टोपोग्राफीज है जहाँ पर इतना स्पेस है ही नहीं आपका कि आप इतने बड़े बड़े रनवे बना सकें तो वहाँ पर वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग का सिस्टम बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगा तो इसीलिए मेघालय में आप वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग का सिस्टम इस्तेमाल इस्टम कर रहे हैं वर्टीप्लेन एक्स थ्री के नाम पर और ये क्या करता है कि ये पहले तो जब जब स्पीड में होता है क्रूज कर रहा होता है तभी एरोप्लेन की तरह काम करता है लेकिन जब इसको लैंड या टेक ऑफ करना हो तो फिर ये हेलीकॉप्टर के जैसे हेलीकॉप्टर जैसा होता है ना वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग हो जाती है हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर में भी तो तो, से काम करना है तो तो ये वर्टी का है ये का एडवांटेज एंड इज इज अ थिंग इंपॉर्टेंट आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग डट एज वेल आगे मूव करते हैं देखते और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है जिनके बारे में डिस्कस करना है तो यू कैन मूव अहेड विद मी आप मेरे साथ आगे बढ़ सकते हैं एडिटोरियल में आते हैं पहला एडिटोरियल जो है क्लाइमेट टॉक्स एज शॉर्ट चेंजिंग इंटरनेशनल लॉज अब यहाँ पे ऑथर ने देखो क्या है मेजरली बोली कि देखो देर आर थ्री प्रॉब्लम्स जो कि स्टार्टिंग से ही है नेगोशिएशन में तीन प्रॉब्लम्स हैं जो कि क्लाइमेट ट्रीटी पेरिस डील इन सब के नगोशिएशन में प्रॉब्लम है सबसे पहली बात यह है कि ऑथर ने कहा है कि यहाँ पे सिटीजन्स को ये नहीं बताया जा रहा है कि जो उनकी लाइफ स्टाइल है जो मेजर एमिशंस हैं डेवलप्ड कंट्रीज हो चाहे कहीं की भी कंट्रीज हो वो उनके डाइट उनके ट्रांसपोर्ट उनके रेजिडेंशियल कॉमर्शियल स्टोर्स इन सब जगहों से आ रहे हैं मतलब उनके जो लाइफ डेली की चीज़ें हैं उनसे पावर प्लान से नहीं आ रहा है ज्यादातर जो एमिशन हो रहे हैं वो उनके डेली का जो ट्रांसपोर्टेशन है रेसिडेंशियल कॉमर्शियल सेक्टर्स हैं और उनके जो फ्रॉम डाइट इन सब चीज़ों से आ रही है, है ना तो अदर ने ये कहा है तो ये तो आपने लोगों को बताया ही नहीं कि उनका कितना बड़ा रोल रहेगा जैसे इंडिया ने लाइफ करके एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया कि लाइफस्टाइल चेंजेस आपको करने हैं फॉर एमिशन एंड ऑल तो आप ये चीज़ें बताएं ना निगोशिएशन में लोगों को अपने डेवलप्ड कंट्रीज़ में बताएं तो सिटीजन्स अपने डेवलप्ड कंट्रीज़ के तो उनको ये पता ही नहीं है तो वो करते जा रहे हैं दूसरा इन्होंने कहा कि जो प्रोसेस है ये पूरी क्लाइमेट ट्रीटी की ये इग्नोर कर रही है द वेल बींग एंड अर्बनाइजेशन ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज़ पॉपुलेशन मतलब कि भैया देखो डेवलप्ड कंट्रीज़ की पॉपुलेशन तो पूरी अर्बनाइज़ हो चुकी है वो उनको सारे सुविधाएँ मिल रही हैं सारी बेसिक नेसेसिटीज़ उनकी पूरी हो रही हैं अब वही चीज़ डेवलपिंग कंट्रीज़ करना चाह रही है तो आप उनको इन करने नहीं दे रहे हो आप कह रहे हो इंफ्रास्ट्रक्चर मत डेवलप करो आप कह रहे हो एनर्जी मत डेवलप करो क्योंकि आप फिर मिशन करेंगे तो भाई इसमें डेवलपिंग कंट्रीज़ की जो वेलबींग well है लोगों के वेलबींग well को क्यों इग्नोर किया जा रहा है तो दूसरा पॉइंट ऑथर नहीं वो उठाया है तीसरा उठाया द नीड फॉर वास्ट क्वांटिटीज ऑफ सीमेंट एंड स्टील इन डेवलपिंग कंट्रीज इसको भी इग्नोर किया जा रहा है आप सबको पता है कि डेवलप होने के लिए जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको सीमेंट और स्टील की जरूरत पड़ेगी क्योंकि बात है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, होगा है ना तो अर्बनाइज तो इसको कंसीडर नहीं किया जा रहा है दीज डिमांड्स एंड दीज डिटेल्स आर नॉट बिंग कंसिडर्ड इसको कंसीडर किए बिना ही वो बार बार बोल रहे हैं कि हाँ कार्बन न्यूट्रल हो जाओ ये हो जाओ वो हो जाओ हम ये करेंगे वो करेंगे ना तो ऑल दीज थिंग्स आर देयर इसके अलावा ऑथर ने तीसरा पॉइंट उठाया कि आप देखो एक और चीज़ है कि आपको फाइनेंशियली और टेक्नोलॉजिकली आपको उनको सपोर्ट करना था फाइनेंशियल सपोर्ट आपको देना था दूसरा आपको टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट देना था दोनों ही आप देने में फेल हुए चाहे कोपेन हेगन समिट दो की बात करें जिसमें आपने सौ बिलियन डॉलर देने की बात की थी चाहे हम फिर अभी लॉस एंड डैमेज फंड की बात करें क्योंकि लॉस एंड डैमेज फंड भी एक तरीके से केवल केवल एक मिटिगेशनल फंड है जिसने यह कहा है कि आपका जितना लॉस हुआ है उतना आपको भरपाई करने की कोशिश की जाएगी मतलब कि यहाँ पर डेवलप्ड कंट्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन नहीं कर रही हैं दे आर नॉट टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हाँ हम रिस्पॉन्सिबल हैं मिशन के लिए इसलिए हम ये फंड दे वो केवल इतना कह रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज के कारण जो लॉस आपको हुआ है उसकी भरपाई हम करेंगे तो अथर ने वही कहा है कि जो डिफ्रेंशिएटेड कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का फीचर था वो कहीं ना कहीं मिसिंग हो चुका है इन ऑल दीज निगोसिएशन है ना इस तरीके से ये, ये ही नहीं है एंड ऑथर ने वही भी कहा है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो डेवलप हो चुकी हैं नाउ दे नीड टू सपोर्ट द डेवलपिंग कंट्रीज एंड लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज कि वहाँ के लोगों को भी प्रॉपर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिल सके वहाँ के लोग भी अर्बनाइज हो सकें ये सारी चीज़ें हों और ये तभी क्लाइमेट जस्टिस प्रॉपरली होगा और ये चीज़ ऑथर ने कही, कही है कि जो एजेंडा है उसमें ये चीज़ क्लियर करें कि लोग जो है वो एनर्जी वेस्ट ना करें लोग जो है वो अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करें इन सब चीज़ों को काफ़ी क्लियरली सेट आउट करने की जरूरत है एंड दैट इज़ अ थिंग विच ऑथर सेज कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा अगर आपको वाकई में ट्रू मीनिंग में आपको ये चीज़ अचीव करनी है तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट अगला जो आर्टिकल था वो था नो यूनिफॉर्मिटी इन पैरोल एंड फरलो रूल्स अब आप सबको पता होगा देखो पैरोल एंड फरलो जो होता है वो प्रिजन में होता है जैसे आप जेल जब जाते हो उसके बाद आपको बीच बीच में क्या होता है चाहे आप आपका जो गुड कंडक्ट है आपके गुड कंडक्ट को देखते हुए गवर्नमेंट के नियम हैं स्टेट गवर्नमेंट्स ने बनाए हुए हैं कि हर आ, आफ्टर अ पर्टिकुलर ईयर ऑफ प्रिजन मतलब कि चार साल पाँच साल होने के बाद तीन साल होने के बाद प्रिजन में आपको हर स्टेट का अलग अलग था, था क्योंकि प्रिजन आपको पता है स्टेट सब्जेक्ट है तो हर स्टेट ने अलग अलग रूल्स बना रखे हैं तो वही चीज़ यहाँ पे ऑथर ने भी उठाई है कि हर स्टेट ने अलग अलग बनाया आपको पता होना चाहिए कि दो एक्ट इंपॉर्टेंट है एक प्रिजन एक्ट एटीन और एक प्रिजनर्स एक्ट नाइनटीन है ना इन दोनों इन दोनों में ज़्यादा क्लियरली स्पेसिफाई नहीं किया गया है पैरोल फरलो को हालांकि उसमें एक सेक्शन है 59 नाइन एक्ट का जो कि स्टेट्स को पावर देता है कि वो रूल बना सकते हैं एंड पर, फरलो के रिगार्डिंग फॉर शॉर्टनिंग ऑफ सेंटेंस को शॉर्टनिंग ऑफ सेंटेंस बोला जाता है क्योंकि ऑब्वियस ही बात है इस समय आप प्रिजन में तो रहते नहीं हो पैरोल और के टाइम पर आप बाहर रहते हो है ना तो ये ऑथर ने फिर अलग अलग स्टेट्स का दिया कि उड़ीसा में कैसा है राजस्थान में कैसा है केरला में कैसा है हरियाणा में कैसा है हर जगह अलग अलग नियम है यहाँ यूपीएससी आपसे कभी नियम नहीं पूछेगा कि कहाँ पे कितने दिन का पैरोल एंड फरलो मिलता है यहां भी आपको याद रहा कि एक पैरोल जो है ये चूँकि स्टेट सब्जेक्ट के अंदर आता है तो हर स्टेट ने अलग नियम बना रखे हैं कुछ स्टेट्स पैरोल देती हैं कुछ स्टेट्स फरलो देती हैं कुछ स्टेट दोनों नहीं देती कुछ और ही नाम से देती हैं है ना तो ऑल दीज थिंग्स आर देयर तो ऑथर ने वही कहा है कि यहां पर एक कॉमन लीगल फ्रेमवर्क होने की जरूरत है एक कॉमन लीगल फ्रेमवर्क होना चाहिए जो कि स्टेट्स को गाइड करे ताकि स्टेट्स जो हैं वो इस चीज को मिस ना कर पाए या कोई आर्बिट्री ना रहे आर्बिट्रेनेस अगर रहेगी तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के साथ खिलवा हो सकती है तो ऑथर ने वही कहा कि प्रेजेंस हालांकि स्टेट सब्जेक्ट में आते हैं लेकिन ये टास्क दे देना चाहिए मतलब एक ऐसी अथॉरिटी को जो कि कॉमन लॉस पैरोल एंड फरलो बना सके सारे स्टेट्स के लिए ताकि यूनिफॉर्मिटी आ जाए है ना दैट इज थिंग सेज आगे मूव करते हैं देखते और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स है द लिंगरिंग क्राइसिस ऑफ लेबर पोस्ट पैंडमिक अब यहाँ पे आई ने अभी एक रिपोर्ट निकाली है दो रिपोर्ट निकाली हैं इसमें से एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है द ग्लोबल वेज रिपोर्ट 2223 द ग्लोबल वेज रिपोर्ट 2223 इस रिपोर्ट में आई ने बताया है कि किस तरीके से जो पैंडमिक है उसका इम्पैक्ट कितना ज्यादा है और इसके बाद न पैंडा की पैंडमिक बस लेकिन अभी रिसेंटली आपको पता है इन्फ्लेशन भी बहुत ज्यादा है ग्लोबली तो ग्लोबल

है जिसका नाम है एशिया पैसिफिक एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक एशिया पैसिफिक एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक जिसमें इन्होंने ये बताया कि किस तरीके से लेबर की जो डिमांड है वो कम होती जा रही है इनफैक्ट जो लो स्किल्ड और मीडियम स्किल्ड काम है उसमें लेबर की बहुत ज्यादा जॉब्स गई हैं फिर भी एक बार हाई स्किल्ड जॉब्स में तो जॉब रिक्लेम हो भी गई है कोविड के बाद लेकिन जो मीडियम एंड लो स्किल्ड जॉब्स हैं ये आप लोग लिख लीजिए पॉइंट में मीडियम एंड लो स्किल्ड में बहुत ज्यादा नुकसान देखने को मिल, मिला है है ना तो ऑथर ने आई ने अपनी रिपोर्ट्स में यही बताया कि एक दोबारा से जो लेबर मार्केट इंस्टीट्यूशन हैं और जो वेज की पॉलिसीज हैं उनको स्ट्रेंदन करने की जरूरत है सोल्यूशन क्या बताया आई एलो ने कि जो लेबर मार्केट इंस्टीट्यूशन हैं और जो वेज पॉलिसीज हैं उनको स्ट्रेंदन करने की जरूरत है एक डिसेंट फॉर्मल वेज एम्प्लॉयमेंट बनाने की जरूरत है, है ना और जो ये इनिक्वालिटी आती जा रही है मीडियम एंड लो स्किल्ड और हाईली स्किल्ड जॉब्स में इसको दूर करने की जरूरत है चौथा इन्होंने बोला कि जेंडर गैप पे जेंडर पे गैप को भी कम करने की जरूरत है मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि महिलाओं को कम मिल रहा हो और पुरुषों को ज़्यादा मिल रहा हो पे तो ये भी सॉल्व करने की जरूरत है एंड देर इज एन अर्जेंट नीड टू एड्रेस द निगेटिव इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इंक्रीजिंग इनक्वालिटीज द पॉवर्टी डिस्क्रिमिनेशन वॉयेंस एक्सक्लूजन इन डिड बाई मिलियंस ऑफ पीपल है ना डिस्क्रिमिनेशन अमंग विमेंस एंड गर्ल्स ये सारी चीज़ें कम करने की जरूरत है लैक ऑफ वैक्सीन एक्सेस टू adequate सैनिटेशन ये सब दूर करने की जरूरत है तब जा करके के कहीं पर जो भी ग्रोथ डिवाइड आपको देखने को मिल रहा है रिच एंड पुअर एंड वेल्दियर एंड पुअर नेशनस के बीच में ये आपको कम कर पाएंगे वाई आर द फिशर फोल प्रोटेस्टिंग द विझिंजम पोर्ट प्रोजेक्ट तो विझिगम ये कहाँ पर है ये केरला में है याद रखेगा विझिंजम या विझिगम जो भी आप पढ़ते हैं आप लिख लीजिए स्पेलिंग देख लीजिएगा बस तो ये पोर्ट आपका कहाँ पर है ये केरला में है और यहाँ पे एक प्रोजेक्ट चल रहा है जो अडानी के अंतर्गत चल रहा है अडानी विझिजम पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के अंतर्गत चल रहा है विजिंगम पोर्ट को डेवलप करने का उसका काफ़ी फ़िशर फोर कम्युनिटी अपोज कर रही है उनका ये कहना है कि इस कारण से दर इज हैज़बिन कोस्टल इरोजन कोस्टल इरोजन हो रहा है ये उन्होंने आ, उनके ऊपर कहा है तो अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं बट नॉर्मल इशू यही है

एक्सटेंशन दिया गया है और अब जाकर के दो फाइनली जनवरी में रिपोर्ट सबमिट होगी जिसमें कि जो ओबीसी का क्राइट, रिजर्वेशन है ट्वेंटी परसेंट वो 27 परसेंट किस तरीके से डिवाइड होगा अमंग द सब कैटेगराइज कास्ट क्ला, क्ला, इन क्ला, 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 क्लासेस वो देखने की बात थी तो यहाँ पे सोर्सेज के मुताबिक जो उन्होंने किया है वो उन्होंने 3000 कास्ट ली हैं ओबीसी की जिनको चार ब्रॉड कैटेगरीज में उन्होंने डिवाइड कर दिया है और मैक्सिमम uh, जो रिजर्वेशन है वो उनको दिया जाएगा जो हिस्टोरिकली क्राउडेड आउट कास्ट हैं बाय द डोमिनेंट कास्ट ग्रुप्स है ना तो ये आपको बता दूँ दिस इज वॉट हैज़ बिन हैपनिंग जी रोहिणी कमीशन जरूर याद रखना दैट इज़ द ओ बी सी सब सब कैटेगराइजेशन प्रेसिडेंट अप्रूव्स न्यू क्रस्ट ऑफ इंडियन नेवी तो इंडियन नेवी का नया क्रस्ट आप देख लीजिए यहाँ पे एक्चुअली इसमें पुराने क्रस्ट में क्या था पुराने क्रस्ट में यहाँ पे एक ऐसे ऐसे तो रोप लगी हुई थी तो रोप हटा दी गई है जब ओल्ड क्रस्ट की है ये रोप हटा दी गई है देन ये जो एंकर uh, था ये थोड़ा गंदा था पुराने फाउल एंकर बोलते थे इसको तो द फाउल एंकर हैज़ बिन नाव विद द क्लीन वन ये बिल्कुल साफ़ सुथरा एक क्लीन एंकर से और यहाँ पे क्रॉस यूज होता था सेंट जॉर्ज का क्रॉस रहता था देन सेंट जॉर्ज क्रॉस हैज़ बिन रिमूव्ड ये तीन चेंजेस किए गए हैं मतलब थ्री चेंजेस हैव बीन देयर और ये आपको बता दूँ जो नया है वो रॉयल सील और राजमुद्रा छत्रपति शिवाजी महाराज की यूज की गई है इस बार है ना और एंटंगल्ड जो नॉटिकल रोप थी वो हटा दी गई है क्लीन एंकर कर दिया गया है है ना ये आपको याद रखना है इसके अलावा ये आपको दिस थिंग विच आर देयर इसके अलावा नेवी डे आप सबको ये तो पता ही होगा कि नेवी डे कब होता है नेवी डे आपका चार दिसंबर को सेलिब्रेट होता है नेवी डे सेलिब्रेटेड ऑन फोर्थ ऑफ दिसंबर और ये क्यों सेलिब्रेट होता है क्योंकि यहाँ पे ऑपरेशन ट्राइडेंट लॉन्च हुआ था इंडो पाक वॉर नाइनटीन सेवेंटी वन में ऑपरेशन ट्राइडेंट ये कंडक्ट किया गया था फोर्थ एंड फिफ्थ दिसंबर के बीच में जब नेवी ने अटैक किया था पाकिस्तान नेवल हेडक्वार्टर्स कराची में है ना तो दैट वॉज द अटैक एंड दिस ऑपरेशन ट्राइडेंट वॉज देयर अच्छा ऑपरेशन

एक्लेम्ड फ्रेंच ऑथर लेपायर डाइज एयर नाइन्टी वन तो डोमिनिक लेपायर एक फ्रेंच ऑथर है काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक्स इनकी हैं मैं आपका नाम बता दूँ फ्रीडम एट मिड नाइट सिटी ऑफ जॉय फ्रीडम एट इट इज़ पैरिस बर्निंग ओ जेरूसलेम तो ये अलग अलग है सिटी ऑफ जॉय जो किताब है वो उन्होंने कलकत्ता के एक रिक्शा पुलर के ऊपर लिखी है हार्डशिप्स ऑफ अ कलकत्ता रिक्शा पुलर इन्फैक्ट एक मूवी भी अगर आपको पता नहीं हो तो ओमपुरी की एक मूवी है द सिटी ऑफ जॉय आप देख सकते हैं ओमपुरी की मूवी है सिटी जो सिटी ऑफ़ जॉय है आई थिंक नाइनटीन आई डोंट नो द ईयर बहुत पुरानी मूवी है uh, ये ओमपुरी जी इसमें एक्टिंग की थी उसमें फ्रीडम एट मिडनाइट एक बुक है जो इन्होंने लिखी है पेरिस बर्निंग इज़ पेरिस बर्निंग ओ जेरूसलेम डोमिनिकायर के हैं तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट जी सेवन ऑयल प्राइज कैप किक्स इन अब यहाँ पे जी सेवन ग्रुप ऑफ सेवन उन्होंने मिलकर के एक ऑयल कैप प्राइज कैप नाम का एक एक्ट पास कर दिया उन्होंने कहा है कि रशिया के ऑयल के ऊपर एक प्राइस कैप लगा दी गई है तो अगर आपको रशिया के अगर आप आप कहीं पे भी जी आ, सेवन या, या यूरोपियन नेशंस के या ऑस्ट्रेलिया के आप टैंकर्स या इनका उपयोग कर रहे हो इंश्योरेंस कंपनीज़ का या क्रेडिट इंस्टीट्यूशन का तो आपको एक कैप के अंतर्गत ही प्राइस में ही आपको ऑयल लेना है उससे ज़्यादा प्राइस नहीं दे सकते हैं ऐसा उन्होंने एक एक्ट पास कर दिया है रशिया का हालांकि कहना है कि हम इसको नहीं मानते और हम इसको नहीं मानेंगे दिस इज वॉट ना पैन कार्ड कुड बिकम अ सिंगल आईडी डी फॉर इन्वेस्टमेंट अप्रूवल तो यहां पे आप सबको पता है कि जो हमारे कंज्यूमर मिनिस्टर हैं है ना कॉर्पोरेट अफेयर्स सॉरी कॉर्पोरेट अफेयर्स के जो मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल उनका ये कहना है कि धीरे धीरे पैन कार्ड को वो एक सिंगल आइडेंटिटी कार्ड के रूप में बना देंगे फॉर इन्वेस्टमेंट अप्रूवल हर तरीके के इन्वेस्टमेंट अप्रूवल के लिए केवल केवल एक पैन कार्ड लगेगा तो ऑल दीज थिंग्स आर देयर और डाटा प्रोटेक्शन बिल के लिए गवर्नमेंट जो है वो नेस्कॉम से मदद लेने वाली है नेस्कॉम मतलब कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज नेस्कॉम क्या है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज दिस इज थिंग और ये गवर्नमेंट के साथ बात कर रही है ऑन हेल्पिंग द गवर्मेंट विदिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल है ना ताकि प्राइवेसी एंड इनोवेशनपेक्टिव से बात करें टेक्नोलॉजिकल पर आपको याद रखना है ठीक है सो ऑल दीज थिंग्स आर देर आई होप यू गॉट क्लैरिटी दैट इज इट फॉर द डे कीप लविंगरिंग एस थैंक यू एंड डे